जब जमा किए जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा कि बंदा मेरे लिए क्या लाया है, अल्लाह पूछेगा कि बंदे मेरे लिए क्या लाया है, तो कोई खड़े होगा कि फलां अल्लाह मैंने तेरी ये इबादत की है। मैदान में बड़ा खला पैदा हुआ, बल्कि कुरान में भी, क्योंकि बहुत कम वक्त में सभी ने के अंदर 3 दिन का कुरान सुना देते हुए ऐसी तस्वीर थी। अल्लाह ताला महरूम की आखिरत बनाए। वक्त को समझते हुए मैं मुकर्रीन से गुजारिश करता हूँ कि भोज की चाट एंड स्वीट आपके सर गरिमात उनकी मफिरत के लिए फरमाए। तो राष्ट्र सभ्यु डॉक्टर संजय कुमार की गारे स्वागत चलू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन लखिया की जानी से, जो आज ऑफिस आफिस साहब से राजनीतिक जलसा मैं पूछा था कहाँ आपका अपराध था 10-11 बजे तक 12 बजे तक ही रहते, फिर सुबह का खुलते, फिर अभी पत्र के बाद आप अखबार तो बता देते हैं भाई ये अखबार डालना मेरे लिए वो नहीं है कि हर घर पर हाजिरी दिया करती मौत का फरिश्ता रोजाना हर घर पर हाजिरी दिया करता, और जब जहां जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे की रूह कब्ज करने का मलकल मौत को हुक्म देता है तो वो पहुंचकर उसकी रूह कब्ज कर लेता, और जब आदमी के मरने से उसके अजीज व खारीब दोस्त अहबाब और दूसरे जो लोग होते हैं रोने पीटने लगते हैं तो मौत का फरिश्ता खड़ा होकर ऐलान करता है। आपने फरमाया कि मौत का फरिश्ता ऐलान करता है कि मैं फिर आऊँगा यहाँ तक कि तुम में से कोई बाकी ना रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मौत के फरिश्ते की इस आवाज़ को इंसान सुन लेते होते तो रोना पीटना छोड़कर अपनी फिक्र में लग जाते कि मेरा क्या होगा, अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला को मुंह दिखाने के काबिल हूँ। ये सोच ये फिक्र इंसान के अंदर पैदा होती। तो बहरहाल इस मौके पर आप हजरात को मैं इस बात पर मुबारकबाद देता हूं कि एक जलसे ताजियत आपने रखा, वैसे इससे पहले भी एक जलसे ताजियत उनके सिलसिले में हुआ और हमने भी इदारे इस्लामी जगत्याल के एक मुशायरे में ताजियत की करारदाद मंजूर की। यकीनन ये शख्सियत ही ऐसी थी कि उसकी याद की जाती रहे और उसके अच्छाइयों को याद किया जाता रहे। तो इस मौके पर जबकि आपने ये जलसा मुनक्किद किया है, हमारे सहारा के दोस्त ने ये बात आप हजरात से कही है कि जिंदा लोगों के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं करने की हम कोशिश करें। मैंने वहाँ भी मुशायरे में भी ये ऐलान किया था अपने दोस्त अहबाब से कि जो कुछ हो सकता है, अगर चूँकि कोई वजीफा तो होता नहीं है कि इंतजार में हरेक आदमी की पहचान करके बहुत ही एक्टिव रहते थे। लिखने के बारे में जब या जो इंतजार के आवाम के लिए कुछ मसले हैं तो उसको भी सॉल्व करने का पैसा बैठे, वो भी छोड़ के दूसरे गांव में जैसा ताकते उनको छोटे गरीब लोगों के बारे में उन्होंने कहे
रह सकते, बेटी का साथ भी करे और उनसे मैंने बोला करते अच्छा थे एकदम मालूम है कि उसके भाई बोले ऐसा है बीमार हो गए और भी पूरा कैंसर है मुझे भी मालूम डाल कर कैंसर बोल तो पैंक्रियाटिक कैंसर से जीना बहुत मुश्किल है तब तक कि पेट हो गया बीमार हो गया जो कोशिश करने का है वक्त आए ऐसा हो गए और खुद किसे इस मौके पर शामिल होते हुए मैं दुआ करता हूँ कि उसके फैमिली मेंबर्स को वाइफ बच्चे और भाइयाँ सबको हिम्मत दे मेरे तरफ से सरकार की तरफ से उसको जो भी करने का मौका मुझे मिलता है जरूर करूँगा इस मौके पर ये वादा करते हुए।